सोलन में एक व्यक्ति सुनील की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिस पर मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी, लेकिन अभी तक उन्हें अपने बेटे की मौत के कारण की सही जानकारी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि सुनील अपने मित्र के साथ जब अपने पैतृक गांव गया था तो अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे सोलन अस्पताल लाया गया और वहां से पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि आज उसकी फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई है तो तथ्य चौंकाने वाले निकले, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया है कि युवक की मौत जहर खाने से हुई है। अब परिजनों को शक उनके मित्र पर जा रहा है, उन्हें यकीन है कि वे शायद कुछ छुपाने की कोशिश भी कर रहा है। परिजनों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उनके बेटे की मौत का असली कारण जहर निकला है, अब ये जहर उसके शरीर में कैसे पहुंचा, इस घटना की जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अपने मित्र के साथ जब अपने गांव गया था तो बिल्कुल ठीक था, और जैसे ही वहां तबीयत बिगड़ी तो वह बार बार फोन कर उन्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वे बोल नहीं पाया, और उसके मित्र से जब इसकी हालत की बारे में पूछताछ की गई तो वह उसको ठीक बता रहा था। उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा कि उसके मित्र को उनके बेटे के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन वह उस समय पर अस्पताल नहीं लाया और ना ही उन्हें कोई सूचना दी, इसलिए वे चाहते हैं कि इस घटना पर पुलिस सख्ती से उसके मित्र से पूछताछ करे और उनके बेटे की मृत्यु के सही कारणों का खुलासा हो। मेरा लड़का जो सुनील कुमार था वो ड्राइवर था, तो राजकुमार के साथ, तो राजकुमार उसको अपने साथ ले जाता था, कई बार ले गया हो, तो अचानक उसने उस दिन रात को पता नहीं उसको वहाँ पर अपने घर में कैसे ढंग से उसने चूहे की दवाई दी, खाने को क्या दिया, रिपोर्ट में तो चूहे की दवाई आ रही है कि चूहे की दवाई जो है वो ने खाई हुई है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम एसपी के पास भी गए, है ना जी, हमारे साथ हम गरीब आदमी, हमारा बहुत बुरा हाल है, हैं बुजुर्ग आदमी हूँ मैं, 75-76 साल की उम्र मेरी, बच्चे भी चुप, मेरे पोते छोटे छोटे हैं, छोटा मोटा कारोबार है हमारा, हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हो रही थी। ना पुलिस ने उससे आज दिन तक पूछा, ना पुलिस ने कोई उससे बयान लिए, है ना जी, हर दिन तक नहीं, जब FIR लॉज भी हो चुकी है उसके खिलाफ, है ना जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ, आज दिन तक 9 महीने हो गए आज। मेरा नाम रीना देवी है, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 16 फरवरी को, तो फिर पुलिस वाले उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, ना कुछ सुनवाई कर रहे, ना कुछ नहीं कर रहे।